अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तखर में सिंध सहाफी इत्तेहाद की जानिब से नौजवान सहाफी नरेश कुमार के हादसाती कत्ल और अरशद शरीफ के बहमाना कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज मुजाहरा किया गया। मजीद तफसलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सुहैब अहमद की इस रिपोर्ट में। सक्कर में सिंध सहाफी इत्तेहाद की जानिब से नौजवान सहाफी नरेश कुमार के हादसाती कत्ल और अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जिले भर के सहाफी, कैमरामैन और फोटोग्राफर शरीक हुए। सहाफी रहनुमा साहिल जोगी ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमें ये क्लियर करा के दें कि ये कत्ल है जहाँ तक नहीं तो हम जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से भी हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनका जो है ये प्लान है कि हम अगला जुलाई मल होगा वो अदालती कमीशन के हवाले से मुतालबा भी करेंगे, वो बनवाने की कोशिश भी करेंगे, इंशाल्लाह ताला वो बनेगी। जी, सहाफ़ी जो है वो रियासत के मफादात का तहफ़ करता है, उसके अलावा इदारों के मफादात का तहफ़ करता है, शहरी तबकात और उनके हकूक़ का तहफ़ करने वाला शख्स होता है। तो इनके कत्लेआम के मामले के फौरी तौर पर जो है वो नोटिस लेना चाहिए, अरशद शरीफ के मामले का नोटिस लेना चाहिए, नरेश कुमार के कत्ल का नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर समाजी रहनुमा सैयद इमरान शाह, इरशाद पीरजादा, सीनियर सहाफ़ी के बी शेख, पराग शर्मा, रऊफ अब्बासी, शाहिद सोलंगी, निसार टिंजन, आज़ाद अजीब मंगी, इरशाद इंदर, राइब मंगरेओ, आदम शम्बानी, शब्बीर जोगी, सरवर मक्सी और दीगर ने हकाम और अदलियत से मुतालबा किया कि सहाफ़ी नरेश कुमार और अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल की तफ्तीश करवाई जाए और कत्लों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सुहेब अहमद, 7 पॉइंट नेटवर्क, सक्कर।